वन मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, दूसरा लिखेंगे वन मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ये दूसरा रिलेशन मतलब क्या है, वन मोल ऑफ एटम्स, मोल कभी भी मास के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर जो दे रखा है वन मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, इसका मतलब क्या है कि अगर एटम्स का एक ग्रुप होता है उसको हम मोल बोल देते हैं, ठीक है। तो एक मोल जो होता है ना एटम्स का, जो एक मोल होता है उस मोल में वजन कितना होता है, मास कितना होता है, उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, समझ गए, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। दूसरा, वन मोल ऑफ एटम्स, वन मोल ऑफ एटम्स मतलब एक मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, इतने सारे एटम्स होते हैं, 6.022 × 10 की पावर 23 एटम्स, इतने सारे एटम्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वन मोल ऑफ एटम्स का मास इतना और वन मोल ऑफ एटम्स में इतने सारे एटम्स होते हैं, इसका मतलब इतने एटम्स का मास इतना, भाई ये भी वन मोल के बराबर, ये भी वन मोल के बराबर, इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। तो थर्ड रिलेशन में आप लिखेंगे 6.022 × 10 की पावर 23 एटम्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। यहां तक क्लियर, ठीक। अब इसके बाद जरा बुक दिखाओ, बस इतना जानना हमारे लिए बहुत है और फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस देखिए, मैं पहले आपको करवा चुका हूँ लखमीर सिंह में से, अब जरा एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एनसीईआरटी अगर आप लोगों के पास है तो पेज नंबर 41 एग्जाम्पल 3.3, नहीं है तो मैं लिख ही रहा हूँ यहाँ पर पेज नंबर 41 ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.3। बस एक फंडा याद रखिएगा कि अगर वन के लिए कोई भी चीज निकाली जाती है, यूनिटरी मेथड उसको कहते हैं, तो मैं यूनिटरी मेथड यूज करूंगा यहां पर। जिसमें दे रखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग, फर्स्ट है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, फर्स्ट है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, सेकेंड है 12.044 × 10 की पावर 23, 12.044 × 10 की पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, नंबर ऑफ हीलियम, हीलियम का एटॉमिक सिंबल ये होता है HE। ये जो तीन फॉर्मूले हैं ये मैं यहीं पर लिखे रहने देता हूँ, इन तीन फॉर्मूलों की हेल्प से ही हमको सारे क्वेश्चन इसमें करने हैं। सबसे पहले देखिए, वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। अच्छा, मेरे को कुछ, मैंने आपको एटॉमिक मासेस नोट करवाए थे, वो एटॉमिक मासेस आप लोगों को लर्न करने हैं और एटॉमिक मास हमको पता होना चाहिए। जनरली क्या है कि टीचर देंगे नहीं एटॉमिक मास आपको, तो आपको याद होने चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि जो हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है, बताएंगे, किसी को याद हो तो। वो तो कार्बन का होता है, चलो छोड़ो, वो क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आपको मोल्स निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, और किस किस का रिलेशन दे रखा है ये देखिए, वो बोल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालना है किसमें, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, तो ग्राम और नंबर ऑफ मोल्स, ग्राम और मोल, ग्राम और मोल कहां पर मिल रहा है, फर्स्ट रिलेशन में। वो हमको क्या निकालना है, मोल, हमको जो चीज निकालनी होती है हम उसको राइट हैंड साइड पर रखते हैं, जो भी चीज हमको कैलकुलेट करनी होती है उसको हम राइट हैंड साइड पर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
यहाँ पर मैं कहूंगा मैं फर्स्ट रिलेशन यूज करूंगा, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर किस किस में रिलेशन दे रखा है। तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स वो पूछ रहे हैं, और किस में पूछ रहे हैं कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो ग्राम और मोल्स पहले रिलेशन में आ रहा है, तो मैं ये कहूंगा वी नो दैट ग्राम एटॉमिक मास, नो दैट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हीलियम। ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर है? 1 मोल ऑफ एटम्स। अभी हीलियम पूछा जाएगा तो 1 मोल ऑफ हीलियम, हाइड्रोजन पूछा जाएगा तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। बस जो एलिमेंट दे रखा है वो चेंज कर देना, बाकी रिलेशन विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो मुझे निकालना है मोल, इस वजह से मैंने क्या करा, मैंने इस रिलेशन को पलट कर लिख दिया। मुझे जो चीज निकालनी होती है उसको मैं राइट हैंड साइड पर डालता हूँ, तो मुझे मोल निकालना है, तो मैंने ग्राम एटॉमिक मास इधर लिख दिया और इज इक्वल टू 1 मोल उधर लिख दिया, पहले रिलेशन को पलट कर लिख दिया। लिखा जा सकता है ना भाई, ए इज इक्वल टू बी लिखो या बी इज इक्वल टू ए, बात तो एक ही है। अच्छा, ग्राम एटॉमिक मास याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, 4 ग्राम होता है हीलियम का मास, तो हम बोलेंगे 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हीलियम। 4 ग्राम में 1 मोल, तो 1 ग्राम में कितना बोलो, 1/4, ये 4 नीचे चला जाएगा, दिस इज यूनिटरी मेथड, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 मोल ऑफ हीलियम। 1 ग्राम में 1/4 मोल, तो भाई 52 ग्राम में कितना, 1 वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1/4 × 52, 4 13 = 52, अरे 13 का टेबल याद है, 13 4 = 52, तो 13 मोल्स ऑफ हीलियम। बड़े दिन हो गए टेबल सुना नहीं आप लोगों से, ठीक है टेबल सुनूंगा परसों क्लास से पहले क्या। चलिए जी ठीक है, ये आ गया 13। तो ये मेथड आप याद रखिए, ये 3 रिलेशन याद रखो। हाँ क्या, हाँ रहेगा तो बहुत अच्छा। चलिए जी सेकंड देखते हैं, सेकंड देखते हैं, सेकंड में जरा आप सोचकर बताओ, इन्होंने बोला 12.04 × 10³ नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स दे रखा है, और क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहे हैं और नंबर ऑफ एटम्स। हाँ तो नंबर ऑफ, ये तो हो गया एटम्स और ये हो गया मोल्स, तो इसका मतलब सेकंड रिलेशन, समझ गए सेकंड रिलेशन। अब पूछ क्या रहे हैं, मोल्स, तो इसका मतलब मोल को राइट हैंड साइड पर रखना है। ठीक है, तो इस रिलेशन को पलट कर लिखूंगा मैं। हाँ समझ गए कि नहीं, नहीं समझे, ये वाला समझ में आ गया। ठीक है अब इस पर आ जाओ, वो बोल रहे हैं कि इतने एटम्स में, इतने एटम्स में कितने मोल्स होंगे। ठीक है, तो ये देखो एटम्स और मोल्स का रिलेशन कौन सा है, ये तो है एटम्स और ये है मोल्स, भाई पहला और दूसरे में मोल इधर आएगा। ठीक है, और इसमें ग्राम एटॉमिक मास है, इसमें एटम्स है, तो नंबर ऑफ एटम्स और मोल सेकंड रिलेशन में ही तो आ रहा है, तो मुझे निकालना है मोल, तो अगेन मैं सेकंड रिलेशन को पलट कर लिखूंगा, मुझे मोल्स निकालना है, तो जो चीज मुझे कैलकुलेट करनी होती है उसको हम राइट हैंड साइड में रख देते हैं। ठीक है, तो इसी रिलेशन को घुमाकर लिखो, सेकंड पार्ट में लिखिएगा वी नो दैट सिक्स पॉइंट 0.022 × 10³ एटम्स। हीलियम की बात कर रहे हैं तो ऑफ हीलियम लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, 6.022 × 10³ एटम्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हीलियम। ठीक है, अब फिर वही यूनिटरी मेथड, भाई इतने सारे एटम्स में 1 मोल, तो एक एटम में कितना, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो हम बोलेंगे 1 एटम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1/6.022 × 10³ ब्रैकेट में डालो इसको मोल्स ऑफ हीलियम। ठीक है, एक एटम में इतना, तो 12.04 × 10³ में कितना, वही वाली कहानी कि एक चॉकलेट 5 रुपए की है, तो 10 चॉकलेट कितने की हो गई, 5 × 10। ठीक है,
तो एक एटम में इतना है, तो इतने सारे एटम्स में कितना, ये जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर दो बस यहाँ, समझ गए? तो हम क्या बोलेंगे, 12.044, बिल्कुल बिल्कुल सही, इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू, इधर कर रहा हूँ बीच में, इस तरफ लिख रहा हूँ, ये यहाँ नीचे दिखाई नहीं देगा, यहाँ लिख रहा हूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 12.044 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 गया, 6.022 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12.044 आ जाएगा, तो 1 जा और 2 जा, डिनोमिनेटर में 1, न्यूमरेटर में 2, यानी कि 2 मोल्स ऑफ हीलियम, समझ गए? एक तो ग्राम एटॉमिक सर, मास मैं आपसे याद करवाऊंगा, एक तो वो याद होने चाहिए, और उसके अलावा ये जो 3 रिलेशन है इसको याद करने में कोई आफत नहीं है, समझ गए? सभी को याद हो ही गए होंगे। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर क्लियर है है क्लियर सर, है? सारा समझा दीजिए। कौन सा वाला, यही वाला सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट या दोनों पार्ट? सर सेकंड, सेकंड पार्ट, दोबारा सुनिएगा। इन्होंने क्या बोला है कि आप ये बताएं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 12.044 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। ये 12.044 इंटू 10 की पावर 23 अगर एटम्स हैं तो उसमें मोल्स कितने होंगे, तो हमें ये देखना है कि एटम्स वाला और मोल्स वाला रिलेशन कौन सा है, रिलेशन नंबर 2, सेकंड रिलेशन। सेकंड रिलेशन में एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स और मोल्स दोनों हैं, तो हमसे तो नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा है, तो ये मोल वाली चीज को आपको राइट हैंड साइड पर रखना होगा, तो हम वही बोल रहे हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हीलियम। बताइए यहां तक समझ गए? ये मैंने अभी सेकंड रिलेशन लिखा है, इसको पलट कर लिखा है सेकंड रिलेशन को, यहां तक क्लियर है? ठीक यस सर, है, हम क्या कर रहे हैं कि इतने सारे एटम्स में 1 मोल है, तो एक एटम में कितना होगा, ये जो पूरा बड़ा टर्म है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल्स ऑफ हीलियम, तो एक एटम में इतना, तो 12.044 इंटू 10 की पावर 23 में कितना, ये जो एक में आया था, 1 में आया था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 तो यहाँ आ गया था, मल्टीप्लाइड बाई 12.044 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कट गया, 6.022, 2 जा होता है 12.044, तो ऊपर 2 आ गया, तो 2 मोल्स ऑफ हीलियम, समझ गए? कल की तो सबकी छुट्टी होगी ना, नहीं है कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी ना हो, कल छुट्टी हो सकती है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हो गई है, पता चला होगा शायद, नहीं पता चला, क्या हो गया? जो जनरल विपिन रावत हैं, जो जनरल यस विपिन रावत सर, हैं उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और उनकी ही नहीं 18 कमांडर्स की डेथ हो गई है, जो किसी मतलब उसमें फाइटर प्लेन में थे, तो प्लेन क्रैश हो गया, प्लेन था या हेलीकॉप्टर था, उसमें उनकी वाइफ भी थी, वो भी सब, हेलीकॉप्टर था शायद, हाँ वो क्रैश हो गया, अभी की खबर है शायद, मुश्किल से दो घंटे हुए होंगे, हाँ, तो मतलब बहुत बड़ी नेशनल क्या इंटरनेशनल न्यूज़ है ये, तो जनरल का मतलब जानते हैं ना, टॉप ऑफ द फोर्स, जो हमारी, मैं जानता नहीं हूँ, मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, पता नहीं मिलिट्री के या एयरफोर्स के या किसी के, वो तीनों नहीं, तीनों का होता है शायद, के मतलब वो तो, मतलब जो टॉप पर होते हैं, जैसे आर्मी में होता है शायद, आर्मी में जनरल होता है, आई थिंक आर्मी के, आर्मी में जनरल होते हैं, यस सर, डिफेंस। हाँ तो ऐसे ही है, हाँ आपके फादर को तो पता होगा, तुमको पता होगा, तुम्हें भी पता होगा, घर पर वही बातें होती होंगी, नहीं ठीक है, चलिए जी, तो बहुत बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, चलिए जी अगला देखते हैं, एग्जाम्पल 3.4, मैं ये मिटा रहा हूँ, मुझे तो एक्चुअली ना ये पर्सनली भी बड़े पसंद थे, क्योंकि जब इनके स्टेटमेंट्स आते थे ना टीवी पर, मजा आ जाता था सुन के,
आप लोग छोटे रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे, आपको पता नहीं होगा, ये पहले, मतलब पहले ना बड़ा ऐसा हुआ करता था कि कुछ कोई आ गया, आतंकवादी आ गए यहाँ पर, आकर मारकर चले गए, ठीक है, कोई एक्शन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन आजकल ना एक्शन होते हैं बड़े भयानक, एक्शन ऐसे हो जाते हैं कि आपको तो पता ही है, 2 बार ऐसा हुआ है ना, पाकिस्तान के अंदर जाकर मार के आए हैं, पता है कि नहीं। लेकिन पहले ना बड़े बेकार इंसिडेंट्स होते थे, मतलब आपको ये पता भी नहीं होगा शायद कि एक 26/11 करके एक फिल्म आई थी, है ना, तो वो, हाँ, तो वो पता है क्या था, वो मैं एमबीए में था, मैं उस टाइम स्टूडेंट था, और मैं क्या कर रहा था कि मैं अपने नेक्स्ट डे हमारा एग्जाम था और हम पढ़ाई कर रहे थे, और दिल्ली में था मैं, तो मैं पढ़ाई कर रहे थे, हम 3 फ्रेंड साथ में बैठकर ग्रुप स्टडी कर रहे थे हम, और तब मोबाइल फोन पर एसएमएस आया, तो उस एसएमएस में ये आया कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया। तो इंसिडेंट क्या था कि जैसे एक कोई मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन पर बहुत सारी पब्लिक है, कोई अपने घर जा रहा है, कोई अपने ऑफिस जा रहा है, कोई किसी और काम से जा रहा है, अरे वहां पर टेररिस्ट आ गए और सबको गोलियों से उड़ा दिया। तो जब ये जनरल बने हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहले वाले जनरल बेकार थे, पहले वाले जनरल भी अच्छे थे, जो गवर्नमेंट्स थी वो बेकार ही थी, वो बेकार ही थी, लोग मर जाते थे लेकिन कोई कुछ करता नहीं था। लेकिन अब किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई कुछ कर जाए। तो ये जो हैं, ये जो इनकी डेथ हो गई है, जनरल बिपिन रावत जो थे, ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देते थे, और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सिर्फ देते नहीं थे, करके भी दिखा देते थे काम को। ये बोल देते थे कि कोई हिम्मत ना कर जाए, कोई हिम्मत ना कर जाए हमारे कंट्री के एक भी आदमी को छेड़ने की। तो इतना, और मतलब चाइना को भी उल्टा जवाब देना, नहीं तो चाइना के सामने तो हम लोग ना ऐसे रहते थे कि जैसे चाइना तो पता नहीं क्या है, कि पता नहीं चाइना ने अगर ये बोल दिया तो फिर तो मतलब बस डर जाओ। तो डरा कर रख रखा था आपने, फोर्स को डरा रखा है, तो आम जनता तो और ज्यादा डर जाएगी ना, उनको लगेगा चाइना ने ये बोला है तो ना जाने क्या हो जाएगा। अब ये चाइना से भी नहीं डरते, तो इस टाइम फोर्स हमारी बड़ी स्ट्रांग है। तो उसके जो ये जनरल है, और हेड का बड़ा फर्क पड़ता है, हेड जो भी है, हेड का बड़ा फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें, 7 साल से बॉर्डर पर ही दिवाली मनाते हैं, पता होगा शायद, दिवाली बॉर्डर पर मनाते हैं, घर पर नहीं जाते अपने, कि घर पर कोई दिया जला रहे हो। तो ये ना हेड का बड़ा फर्क पड़ता है, अगर हेड पर, हेड के साथ ऐसा हो जाए तो बाकी लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो टूटता है। तो मुझे तो पर्सनली बड़े पसंद थे, क्योंकि ये पहले जो थे वो ये कह देते थे, हाँ ठीक है, इसकी ना जाँच होगी, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर जो बैठे हुए थे, जो गवर्नमेंट्स में थे, जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेजिडेंट जो थे, वो जो थे वो इतने ढीले थे, और अब वाले तो ऐसे हैं, भैया छेड़ कर दिखा दो। तो ये इसलिए बड़ा मतलब अच्छा नहीं लगा, बहुत परेशान हुए आज सुनकर ना ये न्यूज़। अब तक तो आते आते नॉर्मल हो गया, पर पहले बड़ा परेशान हुआ था मैंने, यार ये गलत हुआ। चलिए जी अगला देखते हैं, 3.4। तो आप लोग लकी हैं, बहुत अच्छे एरा में आप लोग पैदा हुए हैं, वो बस एक चीज थोड़ी बेकार सी है, कोरोना आ गई बीच में, लेकिन आप लोग बहुत लकी हैं। चलिए जी अगला देखते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें देखो कैसे करेंगे, इसके भी 4 पार्ट्स दे रखे हैं। पहला है 0.5 मोल ऑफ, N2 गैस, सेकंड है 0.5 मोल ऑफ N एटम्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको N2 और N में अंतर पता चलेगा। 0.5 मोल्स ऑफ N एटम्स मतलब नाइट्रोजन एटम्स। थर्ड है 3.011 × 10³। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, और फोर्थ है 6.022 × 10³ नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। हाँ जी, किसी को याद है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास?
चलो जी, कुछ तो याद है। ठीक है ठीक है। तो 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, तो जब N2 दे रखा है ना, तो नाइट्रोजन का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो होता है 14। तो N2 का मतलब क्या, नाइट्रोजन के दो एटम, ठीक है, तो इसका मतलब N2 का क्या हो गया, 14 28, ठीक है। चलिए जी, तो हम ये कहेंगे कि जब यहाँ पर N2 लिखा हुआ है तो फिर मैं N2 की ही बात करूंगा। और वो क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हर एक में क्या निकालना है, निकालना तो मास ही है हर एक में, ठीक है। तो 0.5 मोल्स, यानी कि इधर मोल दे रखा है, और कैलकुलेट क्या करना है, मास। मोल और मास रिलेशन बताओ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट और फर्स्ट रिलेशन और कैलकुलेट करना है मास, तो वो मास ही लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पर, तो जैसा है वैसा ही लिखा रहने देंगे इसको। हम क्या कहेंगे इसमें, 1 मोल ऑफ वन मोल ऑफ N2 गैस इज इक्वल टू ग्राम, 1 मोल ऑफ N2 गैस इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ N2। तो मैं बार बार 1 मोल ऑफ N2 गैस ना लिखकर मैं ये कहूंगा सिर्फ 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। जब नाइट्रोजन का 14 है तो N2 का क्या हो जाएगा, 14 2 28, तो इज इक्वल टू 28 ग्राम्स ऑफ N2। भाई 1 मोल में इतना, तो 0.5 मोल में कितना, 28 × 0.5 पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया, 5 2 10, 2 14 28, तो 14 ग्राम ऑफ N2। तो 0.5 मोल ऑफ N2 गैस में कितना हो गया, 14 ग्राम, समझ गए, ठीक है, क्लियर ना। सेकंड पार्ट देखते हैं भाई, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं वो, क्या आएगा सेकंड पार्ट में, वो बोल रहे हैं 0.5 मोल्स ऑफ N एटम्स। तो N का मतलब क्या, सिंपल नाइट्रोजन की बात हो रही है, सिंपली नाइट्रोजन की बात हो रही है। तो 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, नाइट्रोजन एटम्स के 0.5, तो मोल्स मास, मतलब पहला रिलेशन मोल और मास, तो पहला रिलेशन कैलकुलेट तो मास ही करना है, तो जैसा है वैसा ही लिखा रहने दो। यहां लिखेंगे 1 मोल ऑफ N एटम्स, मतलब नाइट्रोजन एटम्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ N। तो 1 मोल ऑफ N एटम्स, मैं इसको सीधा सीधा 1 मोल बोल दूंगा। नाइट्रोजन का कितना होता है ग्राम एटॉमिक मास, सिर्फ नाइट्रोजन का 14, इज इक्वल टू 14 ग्राम ऑफ N, लिख दो या N एटम्स लिख दो। 1 मोल में इतना, तो 0.5 मोल में कितना, बिल्कुल सही, 14 × 0.5, मतलब पॉइंट गया तो नीचे 10, 5 1 5, 5 2 10, 2 7 14, यानी कि 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, क्लियर, ठीक है। चलिए जी, थर्ड रिलेशन पर आते हैं, चलिए देखते हैं। इन्होंने बोला 3.011 × 10³ नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है, कि इतने, अगर अब क्या क्या दे रखा है कि इतने एटम्स में कितना मास, तो एटम्स और मास किसमें दे रखा है, थर्ड रिलेशन में, नंबर ऑफ एटम्स और मास, निकालना मास ही है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। हाँ वो भी चलेगा, ठीक है। हम ये कहेंगे कि 6.022 × 10³, क्या हुआ, समझ तो गए ना क्या करना है इसमें, नहीं समझे, थर्ड रिलेशन कैसे यूज करना है, क्योंकि अभी बताता हूँ। यहां पर इन्होंने बोला कि 6.022 × 10³ एटम्स उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये 3.011 × 10³ नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, मतलब एटम्स
इतने एटम्स में, इतने एटम्स में कितना मास होगा? तो एटम्स और मास, तो एटम्स और मास थर्ड रिलेशन में है। तो मास क्योंकि निकालना है तो थर्ड रिलेशन को एज इट इज लिख लेंगे। अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना होता तो इसको मैं पलट कर लिखता, क्योंकि जो चीज मुझे निकालनी होती है उसको मैं आरएचएस में रखता हूँ, राइट हैंड साइड में रखता हूँ, समझ गए? ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ क्या नाइट्रोजन इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो फिर वन एटम किसके बराबर? यहीं पर लिख दो, ये किसके बराबर हो गया? 14 ग्राम के। तो इसका मतलब एक एटम, वन एटम 14 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये जो इतना बड़ा नंबर है इसको देखकर मत घबराया करो, इसको चाहे तो x मान लिया करो, ठीक है ना, चाहे तो x मानकर कर लिया करो, बार बार इतना बड़ा लिखना पड़ता है, लास्ट में लिख लोगे तो भी चलेगा। खैर, एक एटम में इतना ग्राम हो गया, इतना मास हो गया, तो 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स इसमें कितना हो जाएगा? 14 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 3.011 इंटू 10 की पावर 23। 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कट गया, 3.011 टू सा 6.022 टू सेवन सा 14, क्या रिजल्ट आया? 7 ग्राम, समझ गए? चेक करना, 7 ही आना चाहिए। अच्छा, अगले में ले लो, अगले में N2 है ना, छोड़ दूं फिर इसको, अगला वाला तो हो जाएगा, क्योंकि वो पूछ रहे हैं 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स में कितना होगा उसका ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, और ग्राम एटॉमिक मास कितना है उसका? 28, तो 28 ही आ जाएगा, क्योंकि 6.022 उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है, और वो कितना है? N2 है ना, N2 मतलब 14 टू 28, तो ये तो एक लाइन का ही है, छोड़ दूं इसको, समझ गए? एक क्वेश्चन और करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स दे रखा हो, नंबर ऑफ आयंस दे रखा हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, सब में फंडा यही लगना है, सब में फंडा यही लगना है। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखा हुआ है, तो उसको देखकर घबराना मत, कि मोल कंसेप्ट तो पता है, ये पार्टिकल कंसेप्ट नहीं पता मुझे, ठीक है? तो मत, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सेम यही फंडा लगेगा। उल्टी सीधी चीजें लिख कर दे देते हैं क्वेश्चंस में बच्चों को डराने के लिए, मिटा रहा हूँ इधर से, अपना बचपन भूल जाते हैं सब, बड़े होते ही ये कहने लगते हैं तुम्हारी उम्र में तो हम ये किया करते थे और तुम सोते ही रहते हो, कौन से जन्म की नींद पूरी कर रहे हो अपनी? डायलॉग नहीं आते क्या ऐसे? नहीं आते घर परिवार में डायलॉग? नहीं आते डायलॉग? आते हैं ना ऐसे जब ज्यादा देर तक सो जाते हैं, तो तुमको सुनने को मिलता होगा, तुम बहुत ज्यादा सोते हो, है ना? संडे वाले दिन तुम ही बोलते हो कि सर 12 बजे से पहले मत बुलाना। चलो एग्जाम्पल 3.5 नोट करें, 3.5 में है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स,
सोडियम का सिंबल होता है Na, सोडियम एटम्स. सेकंड है 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स. थर्ड है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स. बताना इसका सोडियम का क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास. भाई मोल कॉन्सेप्ट जिन्होंने पढ़ रखा है उनको तो याद ही होगा. एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का. चलो जी 23 है. हमेशा याद रखना कुछ ना ऐसा होगा जो आपस में ना डिवाइड हो जाए, जो आपस में डिवाइड हो जाए. 23 2 46. अच्छा ऑक्सीजन का बताना 16. कार्बन का क्या होता है भाई. कार्बन का तो चलो 12 है, सबको याद है. चलो जी फर्स्ट देखो क्या करें. मत पूछो ये दर्द पता चलता है एग्जाम पेपर में. जब पेपर आता है ना तब पता चलता है कि धोखा हो गया हमारे साथ. तो याद करके चले जाना, कोई टीचर नहीं देगा. ठीक चलिए जी अगला देखो. बहुत अच्छे टीचर हैं अगर दे देते हैं तो. चलो जी हाँ क्या हाँ तो भी आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होने चाहिए. चलो मैं बता दूंगा कैसे करते हैं. पहले ये देखिए 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स. अच्छा पता है क्या पूछ रहे हैं इसमें. कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे, नंबर ऑफ एटम्स पूछे, नंबर ऑफ आयंस पूछे, एक ही बात है. मतलब जैसे ये है नंबर ऑफ एटम्स, ऐसे ही चाहे नंबर ऑफ एटम्स हो, चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, चाहे नंबर ऑफ आयंस हो, कुछ भी हो. ठीक आपको रिलेशन ये यूज करना है. तो अभी आप ये देखो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहे हैं और किसमें 46 ग्राम में. तो एक तरफ ग्राम है और एक तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. तो ग्राम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स थर्ड. ये तो एटम्स है यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तरह हो गया और ये हो गया ग्राम. तो थर्ड वाला यूज करें. पूछ क्या रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो थर्ड रिलेशन को पलट कर लिखेंगे. ठीक है जो चीज कैलकुलेट करनी होती है उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं. तो हम क्या बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23 पार्टिकल्स. ठीक है ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का होता है 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^23. पेन सबका चल रहा है नहीं चल रहा. अच्छा तो ये पेन के ऊपर का गया क्या. तो पेन चल रहा है. अच्छा अच्छा पीछे से गया. 10^23 पार्टिकल्स. तो 23 ग्राम में इतने पार्टिकल्स. तो 1 ग्राम में कितने. अपॉन 23. तो भैया फिर 46 में कितने. तो 23 2 46 और 2 × 6.022 12.044 × 10^23 पार्टिकल्स. बताइए क्लियर. हाँ ठीक है जी. उसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट. अरे ऑनलाइन वालों को क्लियर है. यस सर. यस सर. जैशिका विधि सोमिल सिमर सभी को क्लियर ना. यस सर. यस सर. चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं. 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स.
8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, मतलब ग्राम दे रखा है, और निकालना क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब वही थर्ड रिलेशन, और थर्ड रिलेशन को पलट कर लिखेंगे कैसे, ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जैसे कहीं पर O2 लिख दिया ना, मतलब सिंपली O नहीं लिखा हुआ है, O2 लिखा हुआ है, तो उसको हम ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे हैं, एक्चुअली में सही में उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है, ठीक है, उसको ग्राम एटॉमिक मास नहीं बोला जाता, लेकिन अगर आप लिख भी देंगे तो ऐसा कोई गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है। टीचर बस ये जानना चाहेगा कि आपने स्टेप्स सही करें, न्यूमेरिकल वैल्यू ठीक निकाली है बस, तो अगर उसको ग्राम एटॉमिक मास भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा सही ये है कि आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखें, जहां पर भी जैसे कहीं पर O2 है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में N2 था, ठीक है, तो N2 वाले केस में मुझे लिखने के लिए सिर्फ ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसको लिखूंगा, काम वो यही करेगा ग्राम एटॉमिक मास वाले, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इज इक्वल टू 6.022 × 10³ पार्टिकल्स। हाँ जी, O2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास पक्का 32, कैसे, O का होता है ना 16, तो O2 का क्या हो जाएगा 32, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 32 ग्राम ऑफ O2 इज इक्वल टू 6.022 × 10³ पार्टिकल्स, तो 1 ग्राम ऑफ O2 is equal to 6.022 × 10³ particles, और अपॉन में क्या आ जाएगा 32, अब वो क्या पूछ रहे हैं 8 ग्राम, therefore 8 ग्राम of O2 is equal to 6.022 × 10³ upon 32 × 8, 8 × 8, 8 × 4 = 32, ठीक है, करके देखो भाई डिवाइड कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 3.011 क्या, अरे इसको करो ना डिवाइड, कितना हो जाएगा, 2 × 2 पॉइंट गया, इधर 30 आ गया, 2 × 5 = 15, सॉरी 2 × 5 = 10, 0, 1.505 लिखो अप्रोक्सीमेटली, 1.505 × 10³ पार्टिकल्स, बताओ भाई क्लियर, हाँ समझ गए, हाँ थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, मेरा मतलब थर्ड, क्या सेकंड, दोबारा बताऊं, अच्छा बिल्कुल सही, सेकंड रिलेशन यूज होगा, क्यों, क्योंकि मोल दे रखा है और क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मोल और नंबर ऑफ एटम्स, तो सेकंड रिलेशन यूज होगा, ठीक है, वो पूछ रहे हैं 0.1 मोल में कितना, तो इसमें हम ये कहेंगे 1 मोल of carbon atoms is equal to 6.1 मोल में तो इतने एटम्स होते हैं, तो फिर 0.1 मोल में 24, अभी आप बताओ, × 10³ × 0.1 सही है भाई, 1 मोल में इतना, तो 0.1 में कितना, 0.1 मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, अभी 0.1 का मतलब गया पॉइंट गया, तो नीचे क्या आ गया 10 आ गया, तो इसका मतलब 1 पावर कम हो जाएगी, 10³ हो गया, सही है, तो कॉन्फिडेंटली बोला करो भाई, 6.022 × 10²² क्या पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है, हो जाएंगे भाई कुछ क्वेश्चंस,
ट्राई करना, अगर ना हो ना मुझे व्हाट्सएप कर देना कोई भी क्वेश्चन अगर ना हो तो। अच्छा अब मैं ना पॉलिनोमियल्स रिवाइज कराऊंगा, आप में से जितने बच्चे रुकना चाहते हैं वो रुक जाएं। अगर फोन करना है किसको, तुम्हें करना था फोन, अगर रुकना चाह रहे हो तो रुको, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं, टेंशन मतलब अभी करवा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है अभी ऑनलाइन वाले बच्चे भी अगर रुकना चाहें मैं पॉलिनोमियल्स का रिवीजन करवाऊंगा, अगर रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और मैं बस 2 या 4 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट कराता हूँ, इतने आप लोग ना डिसाइड कर लो। थैंक यू सर। ओके।